वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, जिस पर चर्चा करने के उद्देश्य से ग्रीन एशकॉन 2021 और ग्रीन बिल्टकॉन 2021 का 16, 17 और 18 दिसंबर 2021 को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स नागपुर सेंटर के साथ संयुक्त रूप से आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी गुरुवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। अगस्त 2021 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि अगले 20 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस और सदी के मध्य तक 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी। यह निर्विवाद है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने की मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है, जिससे अत्यधिक जलवायु संबंधित घटनाएं हो रही हैं, जिनमें गर्मी की लहरें, भारी वर्षा और सूखा शामिल है। यह घटनाएं अधिक लगातार और गंभीर स्वरूप लेती दिखाई दे रही हैं। आने वाले दशकों में और भी गर्माहट होगी, जब तक कि वैश्विक उत्सर्जन में तत्काल मजबूत और तेजी से कमी ना हो। इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पार्टियों का वार्षिक सम्मेलन COP26 ग्लासगो में आयोजित 151 देशों ने अपने वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए नई जलवायु योजनाएं प्रस्तुत की, जिसमें इस दशक के अंत तक उत्सर्जन को आधा करने की बात कही गई है। ग्लोबल वार्मिंग पेक्षा ग्रीन एशकॉन म्हणून ही कॉन्फरन्स आहे 16, 17 आणि 18 डिसेंबर इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स नॉर्थ अंबाजी रोड नागपूर लोकल सेंटरला। आणि याच्यामध्ये फ्लाय ॲशचे वेगवेगळे उपयोग, फ्लाय ॲश ज्याच्यामुळे आज खूप पोल्युशन वाढतं आहे किंवा जो एक कार्बनचा फुटप्रिंटचा एक विषय झालेला आहे, तर त्याचे वेगवेगळे उपयोग, बेसिकली ते फ्लाय ॲश जनरेट करणारे महाजेनको किंवा NTPC यांचे ते प्रॉब्लेम सांगतील। महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आजची काय इथली हवामान स्थिती आहे आणि काय करायला पाहिजे त्याच्याबद्दल सांगतील। आणि मग या फ्लाय ॲशचे वेगवेगळे उपयोग सांगणारे वेगवेगळे तज्ज्ञ मंडळी इथे येणार आहे, जे आपल्याला या विषयांमधून, या फ्लाय ॲशमधून काय काय गोष्टी होऊ शकतात, जसं लाल विटा किंवा फ्लाय ॲशच्या विटा हे मॅन्युफॅक्चर होऊ शकतात, ते सगळं सांगतील। आणि मग त्याच्यामधनं आपण एम्प्लॉयमेंट जनरेट करू शकू म्हणून महात्मा फुले मागासवर्गीय बोर्ड जे आहे त्यांचे पण काही अधिकारी येणार आहेत, ते पण याच्यातनं उचलून मग नवीन स्टार्टअप पण याच्यातनं जनरेट होतील। म्हणजे पोल्युशन कमी करणे या विषयावर चर्चा होणार आहे, तसंच त्याच्यातनं रोजगार उत्पन्न करणे याच्यावर पण चर्चा होणार आहे। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस का भी फायदा ये होता है कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो नई टेक्नोलॉजी लेके लोग आते हैं, वो जिनको हम प्रमोट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत ये है। अभी और भी आएंगे, यंग बच्चे भी आते हैं। एक मैं आपको बताना भूल गया कि एक पोस्टर कॉम्पिटिशन भी है जूनियर स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के लिए, जहाँ वो ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर एक अपना पोस्टर रखेंगे। उसमें भी कई नई आइडियाज़ आती हैं किस तरह से हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए महात्मा फुले कॉरपोरेशन और उनका एक नई कंपनी है महाप्रीत करके, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ रहे हैं, उनका स्टॉल भी रहेगा। तो वो लोग जो हैं वो चाहेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को फ्लाय ॲश का इस्तेमाल करके ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल बना के कैसे उनको रोजगार हम उपलब्ध करा सकते हैं। और खास करके सेंट्रल इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ कई पावर प्लांट हैं और बहुत बड़ी मात्रा में फ्लाय ॲश जनरेट होता है। चाहे लाल रंग की ईंट हो, सफ़ेद ईंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, सभी को हम सपोर्ट करते हैं और उनके जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाते हैं। यहाँ पर नागपुर ब्रिक एसोसिएशन के भी लोग आएंगे। बता दें कि COP26 में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें 2030 तक 500 GW की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता स्थापित करना, 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा की सोर्सिंग, 1 बिलियन टन अनुमानित उत्सर्जन को अब से 2030 तक कम करना, 2030 तक 2005 के स्तर पर कार्बन की तीव्रता में 45% तक की कमी लाना और 2017 तक नेट जीरो प्राप्त करना। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।